वेलकम टू माई चैनल एफ एस वाइट एंड ब्लॉग्स आज हम शेयर करने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट की रेसिपी जो कि बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपने इसको घर में बनाया है तो ये बहुत ही टेस्टी है और इसको मैं सर्व कर रही हूँ मेरे भाई को ये देखिए इनका रिएक्शन कि ये इनको कैसा लगा ओके okay. तो रेसिपी स्टार्ट करते हमने हैं हमने यहाँ पर फोर ब्रेड्स लिए हैं इसके साथ साथ हम लेंगे आमंड्स फाइव सिक्स आमंड्स मैंने कट करके लिए हैं दो कप हम मिल्क ले लेंगे एक कप यहाँ पर 120 ml का मेरा है अब एक बोल में हम लेंगे टू टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और इसी के साथ साथ इसमें ऐड करेंगे मिल्क मिल्क उतना ही ऐड करें कि हमारी जो स्लरी है वो बन जाए और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें इलायची पाउडर ले, ले लेंगे सिक्स टेबल स्पून शुगर लेंगे ओके देन बनाना स्टार्ट करते हैं एक पैन में हम मिल्क ऐड करेंगे मीडियम फ्लेम रखेंगे हम शुगर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें एक बॉईल आने देंगे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे फ्लेम को लो रखेंगे और जो हमने स्लरी प्रिपेयर की थी वो इसमें ऐड कर देंगे मिल्क को हम चलाते रहेंगे और स्लरी ऐड करते रहेंगे चलाते रहेंगे ऐड करेंगे ऐसे लम्ब नहीं बनेंगे वरना इसमें लम्ब्स बन जाएंगे इसका ध्यान रखें आप के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आमंड्स थोड़े से आमंडस हम इसमें ऐड कर देंगे और बाकी हम गार्निशिंग के वक्त यूज़ करेंगे बस अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं ये जो ब्रेड स्लाइस है इसके हम एडजस्ट कट कर लेंगे वन टी स्पून हम लेंगे शुगर शुगर को आप हल्का सा दरदरा रखें या फिर पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। मलाई हम इसमें ऐड करेंगे घर की जो मलाई होती है वही हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो दो या तीन टेबल स्पून ले लीजिए और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए हमारा एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसमें लगाएंगे मलाई और दूसरे स्लाइस इसको कवर कर देंगे अब इसको कट कर लेंगे ये देखिए ये हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए ये चार ट्राइंगल हो गए बहुत ही केयरफुली आपको इसको करना है अब हमारी रेसिपी का बचा है फाइनल अच्छा अब हमें एक बोल में लेना है मिल्क मिल्क के अंदर इसको डिप करेंगे और बस इसकी प्लेटिंग करेंगे हम इस तरह से बहुत ज़्यादा देर तक इसको डिप नहीं करना थोड़ा सा बस कि ये अच्छे से सोख ले मिल्क अपने अंदर ये जो हमने प्रिपेयर करके रखा था ये देखिए कितना ज्यादा यम लग रहा है ये और इसको हमने एक बोल में कन्वर्ट कर लिया था अब हम इसको ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर से एकदम कवर कर देंगे इसको इसके ऊपर से बादाम पिस्ता जो चाहे आप लगा लीजिए बस डेकोरेशन करनी है वो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए चाहे तो स्किप कर सकते हैं और ये देखिए कितना यमी लग रहा है ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हाँ ट्राई ज़रूर करें इसको अपने किचन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ